हेलो एवरीवन, वेलकम टू 9 to 9 कुकिंग खजाना। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मिक्स वेज सूप विद ब्रेड फिंगर। तो चलिए देखते हैं मैंने इसको किस तरह से बनाया है। मिक्स वेज ब्रेड फिंगर सूप बनाने के लिए सबसे पहले गैस पे चढ़ाऊंगी मैं एक कढ़ाई और उसमें डालूंगी 1 लीटर पानी। पानी मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मैं अब इसमें बनाऊंगी वेजिटेबल स्टॉक। स्टॉक बनाने के लिए ये मैंने धनिया के स्टेम को लिया है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। प्याज है, लहसुन है, पत्ता गोभी है, गाजर है, इसको महीन महीन काट लिया है। अब इसको इसी में ऐड कर दूंगी। फ्रेंड्स, वैसे तो मार्केट में स्टॉक अवेलेबल है लेकिन यहाँ पर मैं फ्रेश स्टॉक बना रही हूँ। अब इसको हाई फ्लेम पे करके मैं 20 मिनट पकाऊंगी। ऐसे तब तक पकाई जब तक इसका पानी रिड्यूस होकर के हाफ ना हो जाए। इस स्टॉक को ढक के ही पकाना है क्योंकि सारे जो पौष्टिकता रहती है इससे बरकरार रहती है। अब इस स्टॉक को मैं दूसरे बर्नर पे ट्रांसफर करूंगी। जब तक हमारा स्टॉक रेडी होता है तब तक ब्रेड फिंगर की तैयारी कर लेती हूँ। अब तैयारी करने के लिए मैंने गैस पर चढ़ाया पैन, इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा ऑयल और गैस की फ्लेम को धीमा कर देना है क्योंकि अभी इसमें मुझे ब्रेड फिंगर को फ्राई करना है। ये ब्रेड फिंगर रेडी करते हैं। ब्रेड फिंगर बनाने के लिए मैं इस बाउल में लूंगी कॉर्नफ्लोर। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का। आप जितना ब्रेड लीजिए उस हिसाब से कॉर्नफ्लोर ले लीजिए। मैंने यहाँ पर 2 पीसेस ब्रेड का कट करके रखा हुआ है फिंगर के शेप में। देखिए इस तरह से मैंने कट करके रखा है। इसके जो साइड के ब्राउन वाला पार्ट है उसको नहीं हटाया। ये कॉर्नफ्लोर को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसमें डालूंगी चुटकी भर नमक, ज्यादा नहीं डालूंगी, चुटकी भर ही डाला है मैंने नमक। ये कॉर्नफ्लोर का बैटर रेडी हो गया है। अब पैन की तरफ चलते हैं। अब हमें करना ये है, पहले सबसे पहले तो चेक कर लेंगे कि ये ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, थोड़ा सा मैंने ब्रेड का डाला है। अब ये ब्रेड को इसमें डिप करूंगी मैं, हल्का सा इसमें डाल दूंगी। गैस की फ्लेम को तेजी रखना है। इसी तरह से सारे ब्रेड के फिंगर को डाल दूंगी, एक एक करके डाल देना है। अब इस ब्रेड के फिंगर को मैं लाल करूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप इस सूप को डाइटिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो आप तवे पर हल्का सा ऑयल लगा करके भी सेक सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये फिंगर चिपकते हैं तो हल्का सा कोई चीज की मदद से, फोक या नाइफ की मदद से इसको अलग कर लीजिए। ये फिंगर सूप के साथ बहुत ही यम्मी लगते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सारे फिंगर लाल हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल लूंगी। ये बहुत ही क्रिस्पी हुए हैं, बहुत ही बढ़िया सिक्के तैयार हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितने क्रिस्पी फिंगर बन करके रेडी हुए हैं। इधर वेजिटेबल स्टॉक भी बन करके रेडी हो गया है। गैस की फ्लेम को अब मैं ऑफ करूंगी क्योंकि ये रिड्यूस होकर के हाफ रह गया है। अब इस स्टॉक को छानने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसको दबा के निकाल दें। देखिए कितना सुंदर स्टॉक का कलर आया है। ऐसा जो मार्केट में अवेलेबल है, स्टॉक के क्यूब्स वगैरह मिलते हैं, उसमें नहीं रहता है। ये जो बचा हुआ सब्जियों का मिक्सचर है उसको आप आटे में सान करके पराठे वगैरह बना सकते हैं। बहुत ही यम्मी लगते हैं इसके पराठे भी। इस वेजिटेबल स्टॉक को मैं साइड करूंगी। अब चलिए सूप बनाना शुरू करते हैं। सूप बनाने के लिए मैंने पतले पेंदे की कढ़ाई ली है। इसको हाई फ्लेम पे ही बनाना है। कढ़ाई में डालूं मैं थोड़ा सा ऑयल। आप बटर का भी यूज कर सकते हैं या आप डाइटिंग के लिए बना रहे हैं तो बिना ऑयल बिना बटर के ऐसे ही डायरेक्ट स्टॉक में वेजिटेबल्स डालिए और बस पका के खाइए। ये भी बहुत टेस्टी लगता है। सारा काम अब हमें हाई फ्लेम पे करना है। फ्लेम को करूंगी मैं हाई। इसमें डालूंगी मैं लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्ची, गाजर, ये स्प्रिंग अनियन है इसको मैंने चॉप करके रखा था वो है, पत्ता गोभी। आप चाहें तो कोई भी सब्जी जो आपको आपकी फैमिली मेंबर को पसंद हो वो इसमें डाल सकते हैं। चाहे तो बेबी कॉर्न का भी यूज कर सकते हैं। कोई भी सब्जी किसी भी तरह का डाल सकते हैं। पनीर वगैरह भी इसमें क्रश करके डाल सकते हैं, ये आपकी पसंद के ऊपर है। और सारा प्रोसीजर ये हाई फ्लेम पे करना है। सब्जी को हमें पकाना नहीं है, बस हल्का सा इसका कच्चापन
निकाल लेना है। 2 मिनट हो गया है, सब्जी का कच्चापन निकल गया है। अब इसी में मैं ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून सोया सॉस का। थोड़ा सा ऐड करूंगी मैं रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून के लगभग है। जैसा आपको तीखा पसंद है बस वैसा ही डालिए। और इसी के साथ जाएगा नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। इसको मैं चला दूंगी। अब इसी में डालूंगी मैं वेजिटेबल स्टॉक, पहले से थोड़ा सा डालना है, इसको चलाना है। गैस की फ्लेम को हाई ही रखना है और वेजिटेबल स्टॉक को डालते जाना है। मैंने सारा वेजिटेबल स्टॉक डाल दिया है। जब तक ये सूप हमारा बॉईल होता है तब तक मैं एक बाउल में लूंगी 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूंगी और इसको चलाऊंगी। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो कॉर्नफ्लोर के बगैर भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई फ्लेवर वगैरह नहीं होता है, सिर्फ सूप को ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सूप हमारा बॉईल होने लगा है, एक हाथ से कॉर्नफ्लोर लेंगे और धीरे धीरे करके इस सूप में डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। इसको लगातार चलाना बहुत जरूरी है। कॉर्नफ्लोर डालने से एक तो मार्केट जैसा लुक आ जाता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, कॉर्नफ्लोर डालने से मुझे इसकी थोड़ा सा कंसिस्टेंसी थोड़ा सा ठीक लग रही है, तो इसमें थोड़ा पानी मैं ऐड करूंगी क्योंकि सूप थोड़ा सा पतला ही अच्छा लगता है। सूप हमारा रेडी हो चुका है, बॉइल होने लगा है। लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं इसमें ऐड करूंगी वो है विनेगर का। मैंने ऐसे ही ढक्कन से 2 ढक्कन के करीब विनेगर मैं डाल रही हूँ। आपको जैसे खट्टा पसंद है उसी हिसाब से डालिए, चख लीजिए पहले तब डालिए। और इसको गैस की फ्लेम को करूंगी बंद। अब इसको एक सर्विंग बाउल में निकालूंगी। देखिए कितना यम्मी सूप बन करके रेडी हुआ है। इसका कलर देखिए, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल है ना। फ्रेंड्स, सूप हमारा रेडी हो चुका है, बहुत ही टेस्टी सूप बना है। अगर आपको चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा विनेगर और ऐड कर सकते हैं खट्टापन लाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग इसको खट्टा ही पसंद करते हैं, बट यहाँ पर मैंने मीडियम खट्टा ही सूप को रखा है। अब इसको जब भी सर्व करना हो तो बस बाउल लीजिए, उसमें डालिए ये अपना सूप। आप ऊपर से थोड़े से पत्ता गोभी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं इसमें, जिससे और हेल्दी हो जाएगा। अब देखिए इसको सर्व करते समय इसमें लगाइए ब्रेड फिंगर्स, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए अपने घर में। सूप के साथ जब आप इसको क्रंची क्रंची ले खाएंगे तो बहुत ही यमी लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, मिक्स वेज सूप विद ब्रेड फिंगर्स रेडी हो गया है। आप इसको एंजॉय करिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर तो करना एकदम मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।